Actually, I have never acted. मैंने पहले you know, I've only danced till today, and it's my acting debut. So I'm very excited, and I really know how funny it is. I know what happens in there, what the stories and all, and I can't just wait to watch it with everybody else because I know it's going to be super fun. So comedy करना कितना difficult है? मैंने कितनी practice करनी होगी? Oh yeah, I mean it is a difficult genre because it's easier to make people cry, but हंसाना थोड़ा मुश्किल होता है. बट आई नो डाउट आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि मेरे साथ स्क्रीन स्पेस भी कौन शेयर कर रहे थे सब एक्टिंग के जो यू नो दो वेटरन्स जो महारथीज बोलते हैं उनको श्रेयस कीकू चंकी वगैरह आई मीन इट वॉज अमेजिंग दैट दे वर सो पेशेंट विथ मी एंड देर वॉज सो मच गिव एंड टेक हैपनिंग कि आई थिंक इतनी एनर्जी उनकी मेरे में मुझ पर रब ऑन हुई एंड उतना मुझे सीखने को मिला उनसे कि आई थिंक आई कुड मैनेज एंड रेस्ट आई डोंट नो माई ऑडियंस विल टेल मी वंस दे वॉच आई मीन मुझे आई डोंट थिंक मुझे इससे बेटर एक्टिंग डेब्यू का अपॉर्चुनिटी मेरे लिए हो सकता था कंसिडरिंग ए इट्स ऑन ऑल बालाजी दे आर द बिगेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स ऑफ दिस कंट्री बिगेस्ट प्लेटफॉर्म आई गॉट फॉर माई डेब्यू आर डायरेक्टर फराज हामजी जी हु इज सो अमेजिंग एंड देन कम्स यू नो पारितोष पेंटर जिनके प्ले पे ये बेस्ड है और कोइंसिडेंटली मैंने ये प्ले देखा था एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस और जब ये मुझे ऑफर हुआ देर वॉज नो वेज आई कुड से नो एंड देन विद श्रेयस एंड कीकू एंड मानसी एंड चंकी एंड एवरीबडी एल्स इट वॉज जस्ट वन बिग पार्टी सो लाइक सबने क्या क्या टिप्स दी आपको कॉमेडी के लिए मतलब पहले उन्होंने कॉमेडी शूट कर चुके हैं तो आपको कैसे कैसे टिप्स मिले अगर आप बताएं उन्होंने डेफिनेटली मुझे कंफर्टेबल किया और उसके बाद जब दे जस्ट आस्क्ड मी टू बी माई सेल्फ बिकॉज आई थिंक आई एम अ फनी गर्ल यू नो व्हेन आई एम नर्वस आई बिकम वेरी सीरियस सो दे सेड डोंट बी नर्वस जस्ट बी योर सेल्फ एंड आई थिंक इन द फर्स्ट वन आवर ओनली इतना ज़्यादा माहौल सेट पे अच्छा था बिकॉज वी वर शूटिंग अ कॉमेडी माहौल अच्छा था हंसी मजाक हो रहा था तो ऐसे सुबह से लेके रात कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था एंड जस्ट इट वॉज जस्ट सो नेचुरली कमिंग एंड वी आर हैविंग सो मच फन सो आई थिंक दे आई मीन दे टॉट मी अ वेरी बिग लेसन यू गॉट टू बी योर सेल्फ ओके सो अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि बेबी एक ऐसा शब्द होता है कि एकदम जबान पे चढ़ा हुआ है तो कभी कभी मैं अपने स्टाफ को भी बेबी बुला देती हूँ मैं अपने डॉग को भी बेबी बुलाती हूँ मैं अपनी माँ को भी कभी बेबी बुला लेती हूँ अपने पापा को भी बेबी बुलाती हूँ सो आई थिंक बेबी इज़ अ वर्ड दैट वेरी नेचुरली कम्स आउट सो हस्बैंड को मैंने कभी गिना तो नहीं है बट आई थिंक ऑल डे 1000-2000 बार तो बोल ही देती हूँ That's the idea, no? Yeah. And it had to be because the show is so funny. So jo title hota hai, it has got to live up to the show's you know. So I think it is funny and when I heard of the title I said isse better title nahi ho sakta tha hamare show ke liye. And why it is named Baby Kamala, you'll come to know when you watch it. Thank you guys. Thank you. I'm super excited. See, I've worked with Paritosh for years now. मैंने उनके साथ बहुत सारे प्लेस किए हैं
हिंदी इंग्लिश बहुत बहुत सारे प्लेस एंड ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो फॉर ईयर्स सो फॉर मी इट्स लाइक ये उनका एक प्ले देखना है मुझे यू नो जो वेब सीरीज़ में कन्वर्ट हो चुका है एंड द टीम इज़ रियली वेरी गुड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि श्रेयस के साथ मैंने पेइंग गेस्ट नाम की एक फिल्म की थी सो आई नो श्रेयस इज़ सच अ वंडरफुल एक्टर एंड ही इज़ वेरी गुड इन कॉमेडी किकू ऑफकोर्स यू नो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड सो किकू चंकी श्रेयस एंड ऑफकोर्स शेफाली एंड मानसी सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंटायर सीरीज बेबी कम ना एंड सो टिपिकल ऑफ परी सो परी के हर एक प्रोजेक्ट का नाम ऐसा ही कुछ होता है एंड आई थिंक इट्स वेरी फनी इट्स इट्स गॉट अ काइंड ऑफ अ So I won't comment on any of that, but I just want to see the show, and I wish everybody, cast, crew, the production, all Balaji, Paritosh Painter, and everybody who's made the show, all the very best. मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शो बहुत बढ़िया चले, लोगों को बहुत पसंद आए, and comedy is a very difficult genre, you know. स्क्रिप्ट वाइज फॉर एक्टर्स ऑल्सो तो ये लोगों को बहुत पसंद आया आई एम ओनली होपिंग दैट कि बहुत अच्छा चले एंड बहुत सारे सीजन ये लोग करें आगे जाके सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम आई हैव डन वन कॉल वर्जिन वेमेन डायरीज आई एम डूइंग अनदर वन प्रॉबली वेरी सून एंड See, there's so much content being made. There's immense content being made. Abhi to television bhi hai, web series, short films. There's so much, you know. एंड आपको इतना चॉइस है आपके पास बहुत चॉइस है अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या आप फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे हो एंड इट्स क्वाइट अ यू नो शो वेर वेर इन यू नो जस्ट यू वांट टू वॉच इट अलोन सो देयर इज़ चॉइस फॉर एवरीबॉडी यू नो सो आपके जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा उसका यही जवाब है कि आपके पास बहुत कॉन्टेंट है हर मीडियम में आप चॉइस कर सकते हो आपको नहीं देखना है आप मत देखो लेकिन जिसको देखना है उसे तो देखने दो हाय राम अभी उसका क्वेश्चन यहाँ क्यों है या सो देख रही हूँ मज़ा आ रहा है एंड या दैट्स इट सो आई एम वॉचिंग इट आई एम एन्जॉइंग इट दैट्स इट थैंक्स हाय इधर हाय गाइस सो मैं निकल जाती हूं ना लाइक पिक्चर्स वो आपका इधर क्लिक पिक्चर जिप शिका कम हियर आई से लेट इट फिनिश द कार ओह जी
You're looking so nice in the trailer. I'm looking forward. Chilla, we'll do pictures. Come, both of y'all. Hi. How are you? आपने कर लिए bites? हाँ, bites आपने कर लिए? हाँ, चल मैं. हाँ जी, बोलिए. Bites करते हैं ना, इधर आओ ना. अच्छा, इधर आओ. मैं दोनों दोनों. मैं उस तरफ आती आपको क्या बोले? नमस्कार. ये कुछ पूछेंगे कि मैं यूं ही कुछ बोल दूं? अच्छा हाँ, एक्साइटेड तो काफ़ी हैं क्योंकि वेब सीरीज़ तो ये मेरी पहली है. मैंने अपने जीवन में काम किया है काफ़ी, लेकिन वेब सीरीज़ ये मेरी पहली है, तो इसलिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट मेरे लिए ज़रा अलग है, नया है. और लेकिन इन्जॉय भी बड़ा किया है, शूट करके तो बहुत मज़ा आया है, इसलिए अब मैं अपने आप को देखना भी चाहता हूँ. तो हाँ, बहुत ही मुश्किल था. इनफैक्ट इनके बारे में बात करूँगी क्योंकि जब सुना था शेफाली से, ऑफकोर्स यू नो वी डन कॉन्सर्ट्स टुगेदर बिफोर, बट कीकू जी का नाम जब मुझे पता चला, मेरी एक फ्रेंड है सुचित्रा, उन्होंने मुझे बहुत बताया इनके बारे में, कितने उम्दा एक्टर हैं, कैसी एक्टिंग करते हैं. बहुत डर लगा था इस शो को. मेरा पहला सीन जो आपके साथ था, 5 पेज का, बट आई थिंक आई नेल्ड इट एंड आई थिंक इट वॉज गुड. बट सिंगिंग और एक्टिंग बहुत ही अलग चीज़ें हैं. बट आई विल से कि इस सेट पे एक्ट करके एक्साइटमेंट उतनी थी जितनी स्टेज पे आती है. क्या बना? रैपर. हाँ, उसके लिए मुश्किल यही था कि मुझे गाना वाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत विश्वास दिलाया मेरे डायरेक्टर जी हैं, पराज जी ने कहा कि मैं गाना गा सकता हूँ जो नहीं, लेकिन ये पार्ट आपके लिए है सर, क्योंकि गाना मैं बिल्कुल नहीं गा सकता. और रैपिंग में मतलब वो बीट के ऊपर, पहली बात तो आप लाइनें याद रखो पूरे गाने की, ऊपर से आप उसे बीट पर गाओ, तो ये बहुत मेहनत वाला काम था मेरे लिए, लेकिन हमारे डायरेक्टर सर की वजह से मैं ये कर पाया. अब बाकी आप देखेंगे शो में. मैंने 3 दिन पहले ट्रेनिंग क्लासेस रखी थी. मैं इतना कहना चाहूँगी दैट ही वॉज वेरी वेरी नाइस एंड सेंसिटिव. मेरे साथ काफ़ी 10 या 12 रिहर्सल्स की थी, एक बहुत ही लंबा सीन है इनके साथ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. नहीं, मोस्ट वेलकम. लेकिन वेरी फ्रैंकली आई थिंक खाली हम यही कहते हैं कि कॉमेडी अगर की नहीं है पहले, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको टाइमिंग की जानकारी नहीं है. मतलब फॉर बोथ ऑफ देम, वेरी फ्रैंकली दे वर सो देयर विद द सीन, दे वर सो गुड विद देयर टाइमिंग. सो तो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि हमेशा यही होता है कि नॉर्मली देखा जाता है कि कॉमेडी में आपने किसी को देखा नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है या पता नहीं है. वो तो अलग बात है कि उन्होंने वो चीज़ की नहीं है, पर जब की तो दोनों ने बहुत अच्छी की, और वो आप देखेंगे आपको पता भी चलेगा. शिफाली और मैं and his debut too on the rapper babe. Yeah, the, man, and he's rapping. Yeah, yeah. Like, you know, he's yo-yo. ट्रांसफॉर्मेशन जो कपिल ने किया अपने आप में, अपने आप में जितना बदलाव लाया, आप लोग देखते रहते हैं उनके ट्वीट सोशल मीडिया पे, आप भी देखते होंगे, क्या कहना चाहेंगे कपिल के बारे में? तो शो वापस आ रहा है, ये तो सच है, और हम जल्द शूटिंग शुरू करेंगे, और दिसंबर में, एग्जैक्ट डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर में शो लॉन्च भी हो जाएगा, और ये द कपिल शर्मा शो पार्ट 2 ही कहलाएगा, सीज़न 2.
और हमने फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लाए हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट लोगों को पसंद आ रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था, तकरीबन फॉर्मेट वही रखा है। वही सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस होंगे, ऑब्वियसली कुछ और कलाकार ऐड हो रहे हैं तो उनके नए नए कैरेक्टर्स बनेंगे, हम भी जो कैरेक्टर्स पहले प्ले करते आए हैं उन्हें छोड़ के कुछ नए कैरेक्टर्स प्ले करेंगे, तो ये मिक्स एंड मैच है थोड़ा, लेकिन फॉर्मेट लार्जली काफ़ी हद तक वही है जो पहले था और लोग पहले उसको इतना प्यार कर रहे थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि फिर वापस उतना ही प्यार मिले। 100% एज ऑफ नाउ तो नहीं। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, हाय। आई एम वेरी एक्साइटेड। परितोष का कोई भी प्ले होता है या फिल्म होता है, एक्साइटमेंट दिख रही है हर जगह पे, उसके सारे दोस्त ऐसे उसके लिए जान छिड़कते हैं, एंड कॉमेडी में परितोष का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई हैव सीन द प्ले बट बेबी कम न, द टाइटल इज ओनली वेरी फनी, एंड आई सीन द प्रोमो, तो जो सब लोग की कास्टिंग है बड़ी ग्लैमरस लगती है, ऐसा लगता है डेविड धवन की पिक्चर है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एंटायर एपिसोड। दो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म बट आई एम पार्ट ऑफ परी'स गैंग, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल बालाजी एंड एंटायर क्रू, एंड यू गाइज रॉक इट, इट्स लुकिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी ग्रेट, पीपल विल लाइक इट। इफ समबडी कॉल्स मी आई विल डू ये देख ऐसे प्रोड्यूसर आते हैं, ये इन लोग सुनते नहीं हैं। या माय हाउस, मेरे घर में टीवी चलता ही नहीं है, नेटफ्लिक्स ओनली, लैपटॉप पे सारे सीरीज वेब सीरीज देखते हैं, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन थिंग एंड वेरी सैड फॉर द टीवी प्रोडक्शन एंड ऑल, बट यू कैन, व्हेन यू कैन वॉच ऑन द फोन, यू कैन वॉच ऑन योर लैपटॉप, ईजी थिंग, एवरीबडी वॉन्ट्स वेरी ईजी थिंग, सो वेब सीरीज आर टेकिंग ओवर, एंड आई नो द नाउ द कंटेंट इज मोर थ्रिलर, सेक्स कॉमेडी एंड ऑल दीज थिंग्स, स्लोली स्लोली दे विल कम विद द न्यू सब्जेक्ट्स ऑल्सो। Yes, I am also waiting for it. मेरी कल फिल्म कम्प्लीट हुई, आई एम डूइंग फिल्म कॉल वन डे विद अनुपम खेर जी एंड इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, सो यस्टरडे वी हैड अ लास्ट डे शो, सो पीपल विल सी मी इन दैट। माई सॉन्ग इज रिलीज्ड रिसेंटली, क्या हुआ तेरा बाद, एज अ सिंगर, एंड आई एम कमिंग अप विद सेकेंड सॉन्ग, सो keeping my finger crossed, and yes, you'll see me very soon on TV also, because this 2-3 project is there, jo pehle hit hoga, you'll see that. No, initially I was following because Anup ji was there and Anup ji is like a family to me, and mujhe jab unhone bola wo ja rahe the, mujhe laga Anup ji aap kya karoge wahan pe, aap kisi se lad nahi sakte, he's such a sweetheart, you know, nahi main ja raha hu, so I was really wondering, तो मैं बोलती थी ये पहनना वो पहनना, बट देन जब मैं सुनने लगी, ये तो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग वॉज अनुप जी एंड हिज पार्टनर, बट वॉट एवर आई नो अनुप जी, ही इज़ नॉट सीइंग एनीवन, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड आई लव हिम, एंड अनुप जी यू डिड फैंटास्टिक जॉब इन बिग बॉस, लव यू। हो गया नीता, नीता कर लो सबका, नो दिस माय सेकंड वेब सीरीज, कॉमेडी वेब सीरीज, यस कॉमेडी, यस। सो हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई सेड यस फॉर दिस वेब सीरीज सीइंग द एंटायर कास्ट, आई वाज द लास्ट मिनट कास्ट, यू नो, सो आई लाइक नहीं मुझे ये करना है बिकॉज दे आर सुपर, मतलब फुल टॉप कॉमेडियंस है इसमें, सो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज दे वर लाइक फैंटास्टिक एक्टर्स एंड इट वॉज
मैडनेस ऑन सेट, इट वाज लाइक टोटल मैडनेस ऑन सेट. सो कितने प्रिपरेशंस करनी पड़ी आपको, बिकॉज कॉमेडी इज नॉट दैट इजी. I'm playing a drunk housewife, you know. So I didn't really have to prepare. Honestly, I didn't have to really prepare. We just went with the flow. The scenes, they came, no? So we would just sit and just do a couple of rehearsals and impromptu, whatever it came, no? We just did that. So how was your experience with us? It was amazing. It was fun. Shreyas, Kiku and Chunky sir and then Mansi and... they were fun. Mansi Shivari, they were fun. It was fun on set. It was madness, like I don't even see it right now. Oh, they were very, everybody was so cooperative, everybody was kind of, you know, improvising, each and everybody's, you know, they were looking at, let's do this, you know, so everybody was helpful, you know, everybody would add their add-ons, like, let's do this, this is a good one, you know, so everybody were very cooperative. Thank you. Sorry. I'm supposed to take the purse. Oh, I was talking about you. Are you okay? This camera? Thank you. बहुत. मैं इसमें एक कंप्लीट छिछोरा कैरेक्टरलेस बंदा प्ले कर रहा हूँ, तो वेरी एक्साइटमेंट के लेवल आप समझ सकते हैं. इसके लिए प्रिपरेशन में मैंने बहुत टाइम गुजारा. आई मेट अ लॉट ऑफ दीज चीट्स, टू टाइमर्स, फ्लर्ट्स, और बहुत सारा होमवर्क किया मैंने उनके साथ में. एंड देन फाइनली परितोष ने मुझे बहुत हौसला दिया. ही सेड कि डोंट वरी, तू मेरी तरफ देख, सब सीख जाएगा. That's how I learned and that's how I perform. It's like, you know, वो होता है ना कि हम अक्सर जब पार्टी में जाते हैं, सो वी एंड अप सीइंग वन गाय, ऐसा होता है, एंड देन वी से कि इसके साथ ये इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है. तो बेबी कम नाम एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है कि यार ये इसके साथ ये दो खूबसूरत लड़कियाँ क्या कर रही हैं. बट टू बी ऑन अ मोर सीरियस नोट, when I was approached for this one, I was very excited because one, I've never played a character like this before. Second, मैंने इस तरीके के, हमने of course मैंने मराठी plays भी देखे हैं, हमने कुछ फिल्में भी देखी है, जैसे you know साजन तिल ससुराल हो या किस किस को प्यार करूँ, but I always visualize कि मैं अगर play करूँगा तो कैसे करूँगा इसको. So when I got a chance, I tried to play it more in the boy next door category. एंड लाइक आई सेड कि ऐसा बंदा कि जिसको देख के सरप्राइज लगे कि इसके साथ दो लड़कियाँ क्या कर रही है. एंड सो ही इज नॉट ओनली देयर बॉयफ्रेंड, ही इज देयर स्पॉट बॉय, ही इज देयर ड्राइवर, ही इज देयर कुक, ही इज देयर सर्वेंट, ही इज एवरीथिंग. सो दैट्स हाउ आई वॉन्टेड टू पोर्ट्रेट. बट वी हैड अ ब्लास्ट शूटिंग दिस वन, थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर फ्रेंड परितोष, एंड थैंक्स टू माई राइटर डायरेक्टर फराज सामजी, एंड थैंक्स टू ऑल दीज वंडरफुल पीपल दैट आई वॉज वर्किंग विद, किकू एंड चंकी एंड शेफाली एंड मानसी. सो बहुत मज़ा आया करके. आई होप जितना हमने इन्जॉय किया आप सब भी उतना इन्जॉय करेंगे. लाइक बेबी कम नाइट अ वेरी यूनिक नाइट, किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि ऐसे कोई शो का नाम कर सकता है. एक्चुअली यस, सॉन्ग इज इन फैक्ट रिटन एंड संग बाय फराद हिमसेल्फ. बट बेबी कम ना मेरे ख्याल से टाइटल क्या करे और शूट करते करते वो जो टैगलाइन बन गई कि मैं बार बार उनको कहते रहता हूँ कि बेबी कम ना. सो उससे हमने सोचा कि चलो यही टाइटल रख देते, इट्स साउंडिंग प्रीटी कैची. बट या आई मीन इट्स साउंडिंग रियली गुड, सो आई एम हैप्पी गाइस लाइक इट. सो लाइक क्या डिफरेंट है शो में कि ऑडियंस इस शो की तरफ इंटरेक्ट होंगे या एंजॉय करेंगे? द यूएसपी ऑफ द शो इज द राइटिंग. जिस तरीके से फराद ने इसको लिखा है वो बहुत मज़ेदार है. एंड आई पर्सनली लाइक टू कॉल इट अ वेरी लाइट हार्टेड नॉटी कॉमेडी. सो देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन बींग नॉटी एंड बींग वल्गर. सो वी मेड श्योर कि हम वल्गैरिटी की तरफ बिल्कुल ना जाए, उसको नॉटी रखे. वो कहता कुछ है, अब लोग जैसा समझना चाहते हैं वैसा समझ सकते हैं. बट उसने लिखा बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है. एंड उसने जिस तरीके से इसका पेस मेंटेन किया है,
इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली फास्ट पेस्ड नरेटिव. सो आप सोचते सोचते कब खत्म हो जाता है एपिसोड आपको पता भी नहीं चलता. सो दैट इज द यूनिकनेस अबाउट द शो. नहीं उन्हीं के लिए तो सारा चल रहा है. यू नो दे लाइक वॉचिंग मी इन कॉमेडी. दे वॉन्ट मी टू डू कॉमेडी. आई पर्सनली एन्जॉय डूइंग कॉमेडी. सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक देम फॉर ऑल द लव, ऑल द अफेक्शन, ऑल द एनकरेजमेंट दैट दे कीप गिविंग मी. Having said that, there are a couple of films coming next year which are not completely in the comedy space. One is a light-hearted family drama and the other one is a thriller. So for the first time I am attempting a thriller genre after a really, really long time. So I hope people like it and people enjoy it. And how the experience to work with Preeti Desai? Preeti Zinta. Preeti Zinta. Oh, lovely yaar. I mean, she is so full of energy ke set pe wo aate hi mahol hi change kar deti hai. So kya hai ye? Wah, ye na bahut bahut pareshan karta hai. Baby, aise nahi, ye sab achhi baatein bol rahe ho. Hum achhi tarah pareshan. Chal. Nice way. So I was just talking about you and nobody else. I hope all good things. Yeah, all good. Yeah, baby. You are full of energy and you are like, you know, upset pe aate hi kaise mahol change ho jata hai. So only talking about you. Baby, you're so sweet. I hope Manasi is not here. Thank you guys. Thank you so much. You can continue, darling. All yours. हमारे बेबी के असली बेबी आ गए. सर राइट में भी No, you can't pass this. How can you? First you have to give a bite here, then you come behind. No, one time. इसको bite करने का. नहीं नहीं. मैं को जानने थी. BYT वाली थी. Okay okay. Papa. चंकी जी क्या? Sorry. तो आपका first web series है. आई आई आई. तो आपका first web series है तो आप कितने excited हैं ये web series? मैं web में फंस गया हूँ. Not cobweb, the web. मैंने बहुत मजा रहा और मुझे मौका मिला है to work with Alt Balaji. एकता के साथ मैं second time काम कर रहा हूँ. मैंने picture की थी उनके साथ क्या super cool है हम. बहुत enjoy किया था. And yes, I'm doing. Baby come na maza nao babu rao lele picture mat. I mean web series mat. And you're playing a plumber. So plumber, not plumber, plumber. वो ऐसा plumber है कि अगर कुछ repair करने जाता है तो खराब हो जाता है. Means बहुत ही अजीब plumber है और हर ताले की चाबी है उसके पास. बट ये घर में बहुत बुरी तरह फंस जाता है. I mean थोड़ा पागल हो जाता है बेचारा. आया था कुछ करने और कुछ और करते करके निकल जाता. मस्त कर. पर्सनली आपने कितना एंजॉय? पर्सनली आप कौन से पर्सनली की बात कर रहे हो? मैंने खाना बहुत एंजॉय किया. सेट पे बहुत अच्छा खाना मिलता था. कंपनी भी बहुत अच्छी थी. बस और डायरेक्टर बहुत अच्छा था बरात में. उसके साथ तो मैं दोबारा काम कर रहा था. डन हाउसफुल 3 विद हिम. एंड एकता इज़ अ बेस्ट प्रोडक्शन यूनिट. तो बहुत ख्याल रखती है. तो आई एंजॉयड माय सेल्फ. बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे आपने. मैंने कितना एंजॉय किया.
हाउसफुल फोर की शूटिंग चालू है, कभी रुकी नहीं. नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है ही वॉज अवे ट्रैवलिंग और जब आए तो सीधा शूटिंग शुरू किया, ऐसे उन्होंने रुका ही नहीं शूटिंग मेरे हिसाब से. बेबी कम नाउ हाँ, वैसे एक फैमिली शो है, आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं लेकिन अलग अलग रूम में. नहीं देखो आजकल क्या हो गया, एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ हो गई कि आप किसी भी घर में जाओ शायद एक प्रोग्राम सब लोग साथ में देखते हैं, बाकी सब लोग अपने प्रोग्राम अपने लैपटॉप पे देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं, यू नो आईपैड पे देखते हैं. तो स्क्रीनिंग अभी स्पेशली वेब स्क्रीनिंग एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो गई. आहान और अनन्या ने इसका ट्रेलर और टीजर देखा और उन्होंने क्या कहा? अब दोनों को बहुत अच्छा लगा. व्हाट अट्रैक्टेड यू टू डू अ वेब सीरीज? व्हाट अट्रैक्टेड मी, मुझे इसका स्क्रिप्ट अच्छा लगा, मिनी सीरीज थी और कोई अपना दिमाग नहीं यूज करना पड़ता. रियली सी इट, एंजॉय, लाफ योर गट्स आउट एंड या एंजॉय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं चलूं स्टैंड अप फॉर मी कुत्ते के साथ. Your turn. मुझे काम आप ही देने वाले हो. Who's going to ask questions? Whoever are here, look center. I said look center. Yeah. I hate it anyway. Yeah. I am super excited क्योंकि मेरी जो पार्टनर्स की पूरी टीम है वही उन्हीं का प्रोडक्शन है. आर्टिस्ट भी आधे से ज़्यादा उधर के हैं. इनफैक्ट मैं भी ये करने वाली थी लेकिन मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं ये कर नहीं पाई. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि मैंने क्या मिस किया है. एंड आई थिंक इट्स कॉमेडी, इट्स फन, इट्स अ लिटिल यू नो लाइक अ नॉटी कॉमेडी. तो आई लाइक इट. आई एम जस्ट वेटिंग कि मैंने जैसे सोचा ये वैसे है कि नहीं. बेबी कम नाम बहुत ही यूनिक नाम है, मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई शो का ये नाम हो सकता है. टाइटल को लेके क्या कहना चाहेंगे? कैसे कैसे टाइटल आके गए अपने पास यार. इस टाइम सबसे क्लीन टाइटल है ये बेबी कम ना, उसमें क्या है. आई एम आई थिंक इट्स कूल. सो लाइक आप नेक्स्ट कब नजर आएंगे? बिकॉज़ अभी बिग बॉस के जी तो कौन से नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं या आपको ऑफर मिला है? मैं ऑफर तो आ रहे हैं लेकिन बिग बॉस का सीजन जब तक खत्म नहीं हो जाता आई थिंक आई विल हैव टू सिट एंड रिलैक्स एंड हैव फन. I am actually. मुझे कोई इंटरेस्टिंग अगर कोई सीरीज के लिए ऑफर आई तो आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट थिंग एवरी आर्टिस्ट इज गोइंग फॉर इट एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड सीरीज टू कम आउट. अच्छा आई डोंट नो. बिग बॉस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरे लिए बहुत अच्छा था. और एक्चुअली जो भी बोलना था मैं इतना बोल चुकी हूँ बिग बॉस के बारे में दैट आई रियली डोंट नो व्हाट आई कैन शेयर मोर. बट इट्स एन एक्सपीरियंस. मुझे लगता है बिग बॉस के एपिसोड्स को बाहर से देखना और बिग बॉस के घर के अंदर जाना और उस पूरी रूटीन को जीना एक एक्सपीरियंस है. एंड यू हैव टू बी वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो आई एम लकी. ठीक है, थैंक यू. Outside? I'll come up.
आई एम एक्साइटेड बिकॉज परितोष इज माई वेरी ओल्ड फ्रेंड, कैंपस से जानती हूँ मैं उसे और आई थिंक मोर देन 25 साल के ऊपर हो गए हम दोनों दोस्त हैं और वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, पूरी फैमिली, इट्स लाइक अ फैमिली. सो उसकी हर नई चीज़ में मुझे आना बहुत पसंद है. वी आई रियली फील प्राउड एज ही इज़ ग्रोइंग एंड आई होप कि वो ऐसे ही अच्छा करता रहे जिंदगी में, अच्छा लिखता रहे एंड नाउ ही इज़ बिकम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो. सो आई एम वेरी हैप्पी. एक्चुअली उसका हिंदी प्ले जो था वो हमने किया था ट्रस्ट मी डार्लिंग, जिसमें मैं थी एंड मानव गोयल एंड एवरीबॉडी वाज देयर. सो इट्स सो आई नो एग्जैक्टली द कंसेप्ट एंड एवरीथिंग एंड इट्स वेरी हिलेरियस एंड इट्स वेरी फनी. सो आई एम श्योर दैट पीपल विल. ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर प्ले किया है तो मुझे उसके सीरियल में भी, बट आई एम डूइंग फ्यू थिंग्स विथ हिम विच अभी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा. या देर आर फ्यू थिंग्स आई अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती. बिग बॉस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. 93 days बहुत इट्स अ लॉन्ग टाइम बट एक बार लेने के लिए अच्छा. मेगा फैन फॉर द एडवाइस. या आई एम वेरी हैप्पी. आई विश अ गुड लक एंड होप हर ड्रीम्स कम ट्रू. ओके थैंक यू सो मच. हाय. अरे एक क्वेश्चन और मैडम, एक क्वेश्चन. आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं?